हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। खास किचन ब्लॉग ऑफिस में आपका स्वागत। उम्मीद आप लोग सब खैरियत होगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैरियत रहिए। तो आज टाइम सर्दी बहुत हो रही है, तो सर्दी के मौसम में हम बनाने जा रहे हैं दाल मखाने की बर्फी। तो आप लोग देखिए मैं किस तरह से बनाती, तो बने रहिए मेरे खास किचन ब्लॉग ऑफिस में। तो चलते हैं। एक बोल में हमने 2 कटोरी भर के दाल मखाने लिए हैं, तो इसकी बनाएंगे हम बर्फी। तो बर्फी में बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो 1 कटोरी में हमने लिए हैं थोड़े से काजू, तो उस काजू का वजन होगा कम से कम 20 ग्राम। अगर आपके पास काजू ना हो तो मूंगफली के दाने भी यूज कर सकते हैं। तो 1/2 कटोरी हमने लिया है गरी का बुरादा, तो आप लोग देख सकते हैं कितना महीन और बारीक है। तो इसी तरह से आप गरी का बुरादा ले सकते हैं, लच्छे वाला मत लेना। तो 1 कटोरी में हमने चीनी ली है स्वाद अनुसार, और हमने 5-6 हरी इलायची भी ली है, तो हमने चीनी को भी रख दी है। थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, वो भी हमने कट करके रख लिए हैं, किशमिश को हमने नहीं कट किया है। तो कढ़ाई रख दी हमने गैस के ऊपर, हम करेंगे दाल मखानों को रोस्ट। तो कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गई है, दाल मखानों को हम डाले दे रहे हैं कढ़ाई के अंदर, धीमी आंच में हम रोस्ट करेंगे। तो दाल मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं, 2-3 मिनट लगे हैं रोस्ट होने में। तो गैस की फ्लेम करे दे रहे हैं बंद, और दाल मखानों करेंगे हम ठंडा। तो इसी कढ़ाई में हम दूध डालेंगे 1 लीटर। तो पहले दाल मखानों को बॉल में कर लें। तो हमने मिक्सी बॉल में हमने दाल मखानों को पलट दिया ठंडा होने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरह से ये खस्ता हुए हैं। तो जब तक ये ठंडा होंगे तब तक कढ़ाई में डालेंगे दूध। तो गैस जलाकर वही कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में हमने दाल मखाने रोस्ट किए थे उसी कढ़ाई में हमने दूध पलट दिया है। तो दूध को हम जब तक गाढ़ा करेंगे, जब तक ये आधा ना हो जाए, तब चलते हैं दाल मखानों को मिक्सर जार में पीसने के लिए। तो एक हमने ले लिया है मिक्सर जार, तो इसमें हम दाल मखाने ट्रांसफ़र करेंगे। तो दाल मखाने ट्रांसफ़र करने के बाद इसी में डालेंगे हम, तो हमने काजू डाल दिए हैं, और हरी इलायची हम इसी में 2-3 जो हमने निकाली थी वो डाल देंगे। और इलायची को डाल के अब हमें मिक्सर को रोक रोक कर इसको पीसना है, ज़्यादा हमें महीन नहीं पीसना है। तो हम पीस कर लिया है दतरा टाइम में, रोक रोक के हमने पीसा था। तो देखिए कितना बढ़िया तरह से ये पीसा है, ना मोटा है ना ज़्यादा पतला है, जिसे रवा होता है सूजी उसी तरह से हमने ये पीसा है। तो अब चलते हैं दूध के पास। तो देखिए दूध में कितनी अच्छी तरह से खोल आ रहा है, और ये देखिए मैं किनारे किनारे से छुटा छुटा कर बीच में मलाई कर रही हूँ, ये जब तक आधा ना दूध हो जाए इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। और धीमी आंच में ही पकाना, तेज आंच में मत पकाना, ना दूध ऊपर आ जाएगा। तो जो लोग हमारी वीडियो, तो इसी तरह से हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो बातों बातों में थोड़ा थोड़ा दूध कम होने लगा है, तो कम से कम 5-6 मिनट हमें इसी तरह से पकाना है दूध को। तो देखिए दूध कितना कम हो चुका है, हम बराबर इसी तरह से चलाते रहे हैं। अब दूध हल्का हल्का गाढ़ा होने लगा है, तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी, क्योंकि चीनी को हमें गलाना है। तो इसी में मिक्स करेंगे चीनी को, तो चीनी इसी में मेट हो जाए। तो इसे हमें इसी तरह चलाना है कि इसमें चीनी जो है पूरी तरह से घुल जाए। तो कम से कम ऐसे अभी हमें 10 से 5 मिनट और लगेंगे इसी तरह से, थोड़ा दूध और हमें कम करना है। देखिए धीमी धीमी आंच में हमने पका लिया है, आधा दूध रह गया है। अब आधे दूध में ये देखिए गाढ़ापन आ गया है, तो देख सकते हैं कितना दूध था यहाँ तक के, इससे आधा हो गया है। तो अब इसमें हम जो हमने पीसे थे दाल मखाने, वो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें। तो चलते हैं दाल मखानों को डालने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें दाल मखाने को डालना है, और फिर चलाना है गैस की फ्लेम को, बिल्कुल धीमा कर रखना, क्योंकि कहीं गुलथियाँ ना पड़ जाएँ तेज आँच में। तो गैस को बिल्कुल धीमा कर दें। तो देखिए इस तरह से हमने पूरा दाल मखाना खोल लिया है। अब फिर दोबारा इसी तरह से डालेंगे, फिर इसी किशमिश हम नहीं डालेंगे, सिर्फ बादाम डालेंगे। आपके पास पिस्ता हो, काजू हो, और चिरौंजी ये भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ बादाम डाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हम यूँ ही चलाते रहेंगे जब तक ये छूटने ना लगे। तो आप देख सकते हैं अब 2 से 5 मिनट तक हम यूँ ही चलाएँगे। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सिमटने लगी है। तो अब हम चलते हैं इसको जमाने के लिए। तो एक लेंगे हम, तो एक हमने ले लिए थाली। तो आपके पास अगर बर्फ़ी ट्रे हो तो आप बर्फ़ी ट्रे ले लीजिए, मेरे पास नहीं थी तो मैंने थाली यूज़ की है। तो इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा हल्का सा चिकना करेंगे रिफाइंड से, मेरे पास देसी घी नहीं है, आपके पास देसी घी हो तो देसी घी से ग्रीस करें। और जब तक हमारा बैटर बर्फ़ी का ठंडा होगा तब तक हम इसमें ग्रीस कर लें। हमने हल्का सा रिफाइंड डाल के इसको ग्रीस कर लिया है, तो आप देख सकते हैं हमने पूरे में ग्रीस किया है, मगर मुझे आधे में जमाना है क्योंकि ये थाली है बड़ी, इतना बेटर नहीं है। तो देख सकते हैं मैंने चिकना कर दिया है, इसमें आसानी से छुकने में आराम रहेगी। तो अब हम कढ़ाई से निकाल कर
दाल मखाने वाली बर्फी को जमाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसी तरह से सारा कढ़ाई से निकाल कर थाली में हम ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, और भाप की वजह से थोड़ी वीडियो धुंधली हो जाती है, तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मैं हाथ से ही वीडियो सारी शूट कर रही हूँ, एक हाथ से अपनी सारी रेसिपी बनाती हूँ, तो मुझे दिक्कत होती है थोड़ा पलटने में, तो पलट लें इसके बाद में दिखाएं। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको बराबर कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये गर्म भी है, तो अभी सेट नहीं हुआ है, तो पूरी अच्छी तरह से हमें सेट करना है। आप लोगों को दिखाएं, कढ़ाई से मैंने पूरा समेट लिया है, तो इसी तरह से हम इसको पहले बराबर करें, इसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि मैं किस तरह से सेट कर रही हूँ। तो देख सकते हैं दो कटोरी में थाली भरकर मेरी बर्फी दाल मखाने की तैयार हो चुकी। थोड़ा सा कोना खाली रह गया, मगर अगर हम सेट करेंगे तो वो भी आ जाएगा, मगर हम पतला ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से वजन में कम से कम 1 किलो हो गई बर्फी है दो कटोरी दाल मखाने से। तो आप लोग कितने परफेक्ट। अब हम इसमें लगाएंगे जो ड्राई फ्रूट हमने बचाए थे, अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं लगाऊंगी इस पर ड्राई फ्रूट, जो हमने बादाम और जो किशमिश है तो उनको इस तरह से हम डाल के गार्निश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरह से दिख रही है। तो एक एक करके हम पूरे में सेट करते हैं, कम से कम 2-3 घंटे के लिए हमें ठंडी जगह पर रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से जम जाए ठंडी नहीं है। तो एक बार आप लोग ज़रूर बना के देखना, और बहुत जल्दी बन जाती है। तो देख सकते हैं किशमिश बादाम अच्छी तरह से जब चिपक गए हैं, तो जो जगह खाली पड़ी है थोड़ा और ड्राई फ्रूट काट के अभी हम लगा दे रहे हैं। तो देखिए मैंने किशमिश और बादाम काट के लगा दिए जहाँ जहाँ जगह खाली थी, और जो लच्छे वाली मेरी गरी थी मैंने वो भी इसमें लगा दी है। तो देखिए उसमें और लुक अच्छा आ गया। आप लोग देख सकते हैं दाल मखाने की बर्फी कितनी बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार हुई, और ये बच्चे बूढ़े चाहे किसको भी खिलाइए, बहुत फ़ायदेमंद हो गया। और जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बुजुर्ग हमारे हैं जो नहीं खा पाते हैं पूरी चीज़, तो उनके लिए ज़रूर बनाइएगा, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए दिमाग के लिए बहुत तेज, क्योंकि उसमें बादाम किशमिश दाल मखाने वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ा है, आपने पूरी वीडियो में देखा होगा। तो इसी तरह से दाल मखाने की बर्फी ज़रूर बनाइएगा, मगर अभी 2 घंटे के लिए हम रेस्ट करेंगे इसके लिए कि ये जम जाए अच्छी तरह से, आप कतली काट के हम दिखाएंगे। तो चलते हैं 2 घंटे के लिए रखने के लिए। तो बर्फी की कतलियां हमने काट दी हैं, अब हम निकालने की बारी है। तो काट कर हमने प्लेट में रख दी है, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया परफेक्ट बर्फी दाल मखाने की बनके तैयार हो गई है, बहुत कम चीज़ों में बनी है। तो आप लोग इस तरह से बनाइएगा भर प्लेट दाल मखाने की बर्फी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। तो आप वीडियो करती हूँ एंड। तो आज की रेसिपी थी दाल मखाने की बर्फी, तो सर्दी में आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बनती है। तो अपनी वीडियो को करते हैं एंड, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। अगले रेसिपी के साथ फिर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।